फिर से एक नवे में स्वागत हुआ। आज का वीडियो में देखने वाला यामा देख पा रहे इस जगह लिखा है FZS वर्जन 3। तो इसका अंदर जो प्रॉब्लम आया क्या है, चलिए आपको देखा था मैं थंबनेल में आपको देखा दिया किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब इसका स्टार्टिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलिए फिर आपको सबसे पहले इस तरीके से प्रॉब्लम को भी आया तो आपको चेक करने का प्रोसेस क्या है। चलो सबसे पहले क्या करने का, इसका इंजन स्विच ऑन करने का। जब भी इसका इंजन स्विच ऑन करने का ना, ऑन करने के बाद इस जगह आपको माल फंक्शन लाइट दिखाई दे रहा है। देख पा रहे इस जगह पर आपको माल फंक्शन लाइट आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका अंदर जो अभी क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट अभी सेल मारने के बाद इस जगह पर देख पा रहे किल स्विच ऑफ है, अभी ऑन किया, ऑन करने का बात ही अभी स्टार्ट कर होता क्या नहीं होता वो भी चेक करके देखा था आप लोग को किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। वीडियो एंड तक बने रहे, मुझे भी पता नहीं इसका अंदर ऐसा क्या फॉल्ट है। मेरा पास अभी कस्टमर लिखा है, बोल रहा है इसका स्टार्ट नहीं हो रहा है दो दिन से, क्या प्रॉब्लम हो सकता। देख पर अभी स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। देख पा फ्रेंड इसका सेल्फ का बटन मारने के बाद इसका देखा सेल्फ का मोटर रोटेशन हो रहा है, देख सकता सेल का मोटर रोटेशन हो रहा है लेकिन उतना इसका ये नहीं हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है। क्या इसका जो बैटरी का इशू है, क्या इसका अंदर जो है ना फ्यूल पम्प लगाया गया, तो फ्यूल पम्प का अगर सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा ना फिर भी इसका स्टार्टिंग का प्रॉब्लम कर सकता। इसका अगर प्रॉपर तरीके से राइट हैंड साइड में आपको जो प्लग देखने को मिल रहा है, ये है आपका प्लग, इस जगह पर प्लग है, ये है आपका होल्डर। इसके अंदर आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए प्रॉपर तरीके से इसके अंदर करंट प्रॉपर तरीके से आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका सेल तो लगता है इसका मोमेंट हो रहा है लेकिन अगर बैटरी का थोड़ा बहुत डिस्चार्ज रहेगा ना फिर भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि देख सकते हैं इसका राइट हैंड साइड में जो किक है ना वो किक नहीं है। इसलिए आप लोग को चलिए सबसे पहले इसका करंट है क्या नहीं वो चेक करना आपका बहुत ही ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले इसका स्पार्क प्लग इसको ओपन करता, ओपन कर इसके साथ ही साथ मैंने स्पार्क प्लग ओपन करने के बाद इस जगह कनेक्शन करने के बाद देखता प्रॉपर तरीके से है ना ये पिस्टन मोमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर फिर भी मोमेंट अगर नहीं हो रहा है तो सोचने का बिल्कुल इसका आपके पास मल्टीमीटर नहीं है ना तो आप भी 100% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता। अगर कि छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है ना आप लोग सॉल्व कर सकता उसी कंडीशन में, ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आया तो आप लोग को मल्टीमीटर उस तरीके से ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए चलिए सबसे पहले इसको ओपन करके, ओपन करने का बाद आप लोग को देखा था प्रॉपर तरीके से इसका करंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वीडियो एंड तक बने रहे। चलिए इसको ओपन करके देता, देख पर इसको स्पार्क प्लग का अभी ओपन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको ओपन करके लेता मैंने, चलिए फाइनल मैं ओपन करके लेता। मैंने प्रॉपर तरीके स्पार्क प्लग को अभी लूज़ करके लिया, उसके बाद ये डायरेक्ट ही अभी मैंने होल्डर के साथ कनेक्शन करके देखा था। कनेक्शन करने के बाद इसको सेल मारने के बाद देखता प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप लोग वीडियो एंड तक बने रहे, मैं एक ऐसे वीडियो शूट कर रहा हूं आप लोग को फिर भी देखने के लिए कोशिश कर रहा हूं मैं, वीडियो एंड तक बने रहे। देख पा रहे इसको भी स्पार्क प्लग को भी मैं लगा दिया इस जगह पर, अभी इसको कनेक्शन तो प्रॉपर तरीके से हो चुका होगा, उसके बाद ही अभी सेल का बटन मारने का बहुत ही ज़रूरी है। मैं एक ऐसे वीडियो शूट कर रहा किसी को बोला था मैं फ्रेंड, मेरा पास आदमी आ चुका है, अभी अभी मारो तो सेल मारो। देख पा रहे आप लोग पहले देख पा रहा है ये एक जरा से भी इसका करंट भी नहीं आ रहा है, तो मतलब अभी कस्टमर सोचा इसका अंदर इससे क्या फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि आप देख सकता इसका जो मेन रीज़न यही है। इसका साथ फ्यूल तो चेक करना बहुत ही ज़रूरी रहता था लेकिन इसके साथ करंट भी चेक करना चाहिए, लेकिन अभी फर्स्ट स्टेप में आपको देखा दे रहा है मैं, लेकिन मेरे को आया मेरे पास आने के बाद बोले स्टार्ट नहीं हो रहा है बोल के, मैं आप लोग को एक एक प्रोसेस चेक करके देखा रहा है, लेकिन पहले तो फॉल्ट मिल गया। क्या फॉल्ट है आप लोग को लग रहा है देख सकता, अभी पिस्टन है ना वो जो अप डाउन करना चाहिए ना वो अप डाउन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है इसका बैटरी का इशू आ चुका, तो बैटरी है ना प्रॉपर तरीके से चार्ज होना चाहिए ना वो चार्ज नहीं है, इसलिए जो पिस्टन अप डाउन करेगा तो अभी तो इसके साथ ही साथ जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैग्नेट साइड जो CKP सेंसर जो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर जिसको इसका पिकअप कॉइल बोलना पड़ता, वही अगर प्रॉपर तरीके से सिग्नल नहीं भेजेगा पिस्टन अप डाउन नहीं होगा तो करंट कैसे जनरेट होगा। तो इसीलिए है ना इसका जगह जो अभी जो हाई टेंशन कॉइल इसका ऊपर ये स्पार्क प्लग को ऊपर जो हाई टेंशन हो जिसको 25 से 30 हज़ार वोल्टेज आउटपुट है ना ये स्पार्क प्लग को भेजता, इसके अंदर करंट तो नहीं आ रहा है लेकिन अभी देखो सिग्नल पे अभी इसी हम जो सिग्नल भेजेगा वो भी नहीं भेज पा रहा है, तो आप लोग को पता ही चल गया होगा तो बैटरी का इशू आ चुका। आप लोग को अगर मल्टीमीटर नहीं है फिर भी आप लोग एक इंडिकेटर मदद से भी चेकआउट कर सकता थोड़ा बहुत, लेकिन अभी उतना नहीं कर सकता आपका, आप लोग के पास मल्टीमीटर होना तो बहुत ही ज़रूरी थे, लेकिन अगर फिर भी देखें मैं ऐसे महसूस हो रहा है देखो राइट हैंड पैनल लेफ्ट हैंड पैनल सीट इसको ओपन फिर भी नहीं किया मैंने, आप लोग को मैं डायरेक्ट आप लोग को देखा दे रहा है स्पार्क प्लग को ओपन करने के बाद ही, अभी देख सकता आप लोग अभी फिर भी आप लोग को देखने की कोशिश कर रहा है फिर से देख सकता इसका एक जरा से भी करंट भी नहीं आएगा पिस्टन भी अप डाउन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो चुका। देखो आप मारो किक मारो मारो अभी देख सकता
अभी करंट भी नहीं आ रहा है, इसके साथ ही है ना जो साउंड कर रहा है वो क्या कर रहा है, इस जगह पे रिले, वो रिले अभी साउंड कर रहा है। इसका साथ ही साथ देख सकता मारने के बाद सेल का बटन, ये लाइट भी फ्रंट साइड पे ब्लिंक कर रहा है, देख सकता। मतलब क्या हुआ इसका अंदर, जो बैटरी का इशू आ चुका। चलिए फाइनली आप लोग को इस तरीके से प्रॉब्लम कभी भी आया तो क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि किक नहीं है, मैं फिर भी आप लोग को स्टार्ट करके दिखाने वाला वो किस तरीके से स्टार्ट करेगा। चलिए इस वीडियो में कंप्लीट दिखाने वाला। चलिए सबसे पहले मैं क्या करेगा इसका, लेकिन एक चीज़ याद रखने का, प्रॉपर तरीके से फ्यूल होना बहुत ही ज़रूरी रहता है तब भी स्टार्ट होएगा। चलिए मैंने सबसे पहले इसको है ना फ्यूल चेक करता, प्रॉपर तरीके से फ्यूल है क्या नहीं वो भी देखना बहुत ही ज़रूरी रहता है, मुझे पता नहीं फ्यूल है क्या नहीं। चलिए आप लोग को वो भी देखने की कोशिश कर, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट करके दिखाने वाला। पर फैन आप लोग को क्या करने का, ये जो क्लिप है ना इस जगह पे, क्लिप को ओपन करने का, मैं पहले से इसको ओपन करके लिया, उसके बाद इसको बैक खींचने का, देख पा रहे हैं, बैक खींचने के बाद ही अभी इसमें स्विच ऑन करने का, ऑन करने का बाद ही अभी ऑन करने का बाद इसके अंदर फ्यूल है ना सप्लाई आना चाहिए, क्योंकि बैटरी अगर फिर भी फुल डिस्चार्ज है तो इसका सप्लाई नहीं आएगा, अगर थोड़ा बहुत है तो आ जाएगा। अभी चाबी ऑन करो, अभी देख पा रहे हैं अभी इसका है ना जो फ्यूल आपको दिखाई दिया प्रॉपर तरीके से आ रहा है, मतलब अभी तो मेरे हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा। कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि आप लोग को पहले बोला इसका राइट हैंड साइड में जो किक है ना वो किक नहीं है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा इसका सिर्फ एक ही काम करने का, लेफ्ट हैंड साइड में जो गियर है ना गियर को सेकेंड नंबर पर ढालने के बाद इसका व्हील है ना बैक साइड में इसको खींच के स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो स्टार्ट नहीं होने वाला। जब तक इसका बैटरी चार्ज नहीं होगा तब तक सेल मोमेंट नहीं करेगा, तब तक स्टार्ट नहीं होगा। चलिए डायरेक्ट मैंने इसको सब स्पार्क प्लग लगा देता, इसका जो देख पा रहे इसका फ्यूल पाइप है ना ये भी लगा देता, लगाने के बाद आपको स्टार्ट करके देखा था ना, इसका जो प्लग वो भी लगा दिया, इसका जो फ्यूल पाइप वो भी लगा दिया, उसके बाद ही आपकी इंजन स्विच अभी ऑन होना चाहिए, उसके बाद ही क्या करना का डायरेक्ट इसको गियर में डाल लेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड देख पा रहे, लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद में अभी देख पा रहे न्यूट्रल है, देख पा रहे अभी गाड़ी न्यूट्रल है, अभी ये फर्स्ट नंबर ठीक है, ये अभी आपको सेकेंड नंबर में ढालने का, ढालने के बाद ही अभी डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा डायरेक्ट व्हील को डायरेक्ट खींच के, अगर स्टार्ट हुआ तो सही है नहीं तो गया। इस तरीके से मेरे हिसाब से 100% तो हो ना तो चाहिए वो प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से आप लोग को करना चाहिए, इस तरीके से लेने का। मुख दिखाते हैं तुम्हारा, देख पा रहे फ्रेंड इस तरीके से घुमाने का, नहीं फ्रेंड इसका चार्ज करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, फिर भी इतना ताकत नहीं मिल रहा है तो स्टार्ट नहीं होगा। इससे पहले मेरा इस सब से एक डाउट लग रहा है मेरा को, अभी उसी कंडीशन में जब इसको निकाला था ना मैंने, तो ये मेरा हिसाब से डीजल भी लग रहा है, ये पेट्रोल तो नहीं लग रहा है। चलिए आप लोग को प्रूफ देखा था मैंने, चाबी ऑन ऑफ करो, अभी ऑन करो, फिर से ऑन करो, फिर से ऑफ करो, देख पा रहे फ्रेंड ये कस्टमर है ना जिसका बाइक है वो गलती से इसका डीजल ढाल दिया, आप लोग देख पा रहे हैं ना कि डीजल ढाल दिया, इसलिए है ना स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, ये कितना भी कोशिश कर लो स्टार्ट नहीं होने वाला, इसका पूरा फ्यूल निकालने के बाद ही इसको करना चाहिए। लेकिन बोला अभी क्या करना पड़ेगा, यह डायरेक्ट बोला शोरूम पे देखने वाला, अभी बोल रहा है शोरूम पे लेके जाने वाला, शोरूम पे इसलिए लेके जाने वाला क्योंकि इसका अभी एक नंबर सर्विसिंग कंप्लीट हुआ, अभी भी इसका सर्विसिंग बाकी है, इसलिए बोल रहा है अभी इसका साथ सर्विसिंग भी करके लेगा, इसके साथ ही साथ अभी इसका जो डीजल है ना वो भी निकल के स्टार्ट करके देने वाला, तो मैंने यही बोला ठीक है अभी शोरूम पर लेके जाऊँ। फ्रेंड आपको अगर मेरा वीडियो देख के अगर थोड़ा बहुत जानकारी मिला ना तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर नया है ना तो आपका मर्जी सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।